अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ खस्ता समोसे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमने लिया है ये आधा किलो मैदा है, और ये मैदे में डालने के लिए तेल है। तेल को हमने गर्म करके ठंडा कर लिया है। ये एक चम्मच अजवाइन है, और ये नमक है स्वाद के अनुसार, और हमें आटा गूंदने के लिए पानी लगेगा। तो चलिए पहले हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो देखिए, हम ये पहले जो है अजवाइन को इस तरीके से क्रश कर लेंगे, और ये जो है हमने 6 चम्मच तेल लिया है। हम आटे में मोयन इसलिए डालते हैं कि जो इससे जो समोसे की परत है वो बहुत ही खस्ता बनती है। और ये हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और पहले जो हम इस तेल को आटे में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है समोसा बनाने के लिए हमें आटे का ध्यान रखना होता है कि आटे में अच्छे तरीके से हम तेल मिक्स करें, और इसे ना हमें ज़्यादा पतला गूंदना है, ना ज़्यादा हमें इसे नरम गूंदना है, ना ज़्यादा हार्ड रखना है इसे। अगर हम इसे हार्ड रखेंगे तो इसे जो समोसा बनाते वक्त ये अच्छे तरीके से बन नहीं होगा समोसा। अच्छे टिप्स और ट्रिक के साथ अगर हम समोसा बनाएं तो हमारा समोसा भी जो है होटल वालों के जैसा खस्ता और टेस्टी बनेगा घर पर ही। तो देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदेंगे। तो देखिए, ये हमने आटा लगा दिया है, आटा गूंद लिया है हमारा। अब हम इसे ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो चलिए अब हम समोसे की फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने आलू उबाल कर मैश करके रखे हैं 1/2 किलो। ये नमक है स्वाद के अनुसार। ये 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर है। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है। ये 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। ये आमचूर है 1/2 छोटा चम्मच, और ये थोड़ा सा गरम मसाला है, और ये 1/2 चम्मच कुटी हुई अदरक है। देखिए, अदरक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है समोसे के अंदर। आप चाहे तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ लिए कढ़ाई, इस पर अब हम डालेंगे तेल। तो देखिए, ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये अदरक डालेंगे। आप चाहे तो इसमें प्याज, हरा धनिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मगर अक्सर होटल वाले जो समोसे होते हैं उसमें प्याज, हरा धनिया जो नहीं डाला जाता है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए, बस थोड़ी सी हल्दी डालना है हमें। और अब हम हमारे सारे मसाले डाल देंगे इसमें। हमने इसमें मैश किए हुए आलू भी डाल दिए। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा आप। सबसे ज़रूरी स्टेप जो होता है, ये आलूओं को जो है अच्छे तरीके से हमें भुनना है सब्ज़ी को। अगर हम सब्ज़ी को ऐसे ही मिक्स कर लेंगे बिना गर्म करे सारे मसाले वगैरह डाल के, तो उसमें मॉइस्चर होता है। आलू जो है हमारे मॉइस्ट होते हैं ना, गीले होते हैं, तो उसकी वजह से जो है हमारे समोसे जो है 1-2 घंटे के बाद में ही जो है नरम पड़ जाते हैं, खस्ता नहीं रहते वो। इस तरीके से अगर आप उसको अच्छे से सेकेंगे, अच्छे से मतलब इसको जो है कुक करेंगे आप सब्ज़ी को, तो हमारे जो ये मसाले में मॉइस्चर नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे समोसे भी खस्ता रहेंगे अच्छे से। तो ये टिप्स जो है आप याद रखिए समोसे बनाते वक्त। तो ये फिलिंग हमारी यहाँ तैयार हो गई है। तो ये फिलिंग हमारी तैयार है, और ये आटे को रेस्ट करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं हमारे। तो अब हम समोसा की पट्टी की तैयारी करेंगे बनाने की। हमें इस आटे को थोड़ा मसलना है। देखिए कितना चिकना और नरम आटा जो है हमारा तैयार हुआ है।
अब जो है हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने चिकना पेड़ा बना लिया है और हम इसे बेलेंगे। हमें इसे बराबर बेलना है, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं रखना है हमें इसे। चारों तरफ से हमें इसे बेलना है, किनारों से भी, वरना इसके किनारे मोटे होंगे, बीच में से पतला होगा, तो अगर ये फिर जो है परफेक्ट समोसे की पट्टी हमारी बनेगी नहीं। देखिए इस तरीके से हमने इसे बेल लिया है। अब हम इसे बीच में से काटेंगे। देखिए ये इस तरीके से हमने इसे काटा है और ये जो है इस तरीके से बीच में से सेंटर में से पहले हम इस पर जो है थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, वरना हमारे जो समोसे हैं जो तेल में डालते से ही खुल जाते हैं। इस तरीके से ये हमें इस पर रखना है, ये एकदम बीच में आना चाहिए सेंटर में। समोसे का शेप भी अच्छा दिखना चाहिए ना होटल स्टाइल वाले। तो ये इस तरीके से हमने देखिए इसे दबा दिया है और ये इस तरीके से हमें इसे रखना है। और अब हम इसमें हमारी फिलिंग भरेंगे। आपको जितनी पसंद हो उस हिसाब से, पर वैसे तो जो है इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं भरी जाती है क्योंकि थोड़ी ऊपर से पपड़ी भी रहना चाहिए ना उस हिसाब से। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें भर दिया। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो इधर की पट्टी है ना इसको हम एक फोल्ड लेंगे इस तरीके से और ये इस तरीके से हम इसे दबाएंगे। देखिए अच्छे तरीके से हमें इसे बंद करना है। देखिए इस तरीके से बीच में लीजिए, फिर जो है इस पर थोड़ा सा पानी और फिर ये इस तरीके से रखिए अच्छे तरीके से बंद करते हुए और इस तरीके से इसमें फिलिंग डालिए। देखिए और इस पर जो है इस तरीके से पानी लगाकर हम ये इस तरीके से इसे एक फोल्ड लेंगे। देखा ना आपने, इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करना है और पानी लगाकर जो है इस तरीके से हमें इसे पैक करना है। हम क्या करेंगे, सारे समोसे इस तरीके से बनाकर जो है इसे 10 मिनट तक के रेस्ट देंगे। तो देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है हमें पानी लगा के, किनारे पर पहले पानी लगा के जो इस तरीके से हम कोन बनाएंगे। देखिए ये कोन बनाया हमने और फिर इसे इस तरीके से हाथ पे रखा कोन को और उसमें ये फिलिंग डाली। देखिए इस तरीके से हमने इसमें फिलिंग भर दी। फिर जो है ये चारों कोनों पे हमें पानी लगाना है और ये ऐसा उठा के हमने, ये देखिए ये इस तरीके से उठा के यहाँ एक फोल्ड देते हुए इस तरीके से हमने एक एक प्लेट दी, इस पर फोल्ड किया हमने और इस तरीके से इसे दबा दिया। देखिए दिख रहा है आपको, देखिए बस इस तरीके से हम हमारे सारे समोसे जो है तैयार करके रख लेंगे। तो देखिए
हमने इस कढ़ाई में तेल लिया है। तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर तेल हमारा ज़्यादा गर्म होगा तो समोसे जब हम डालेंगे इसमें तो उस पर समोसों पर बबल आ जाएंगे। तो चलिए हम समोसे डालना स्टार्ट करते हैं। अभी हमें समोसों को छेड़ना नहीं है, बस इसी तरीके से इसे धीमी आंच पर जो है हमें पकाना है। तो अब हम हमारे समोसों को जो है पलटेंगे। इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पर अभी हमें नहीं बनाना है, इसे कम आंच पर ही अभी हमें इसकी सिकाई करनी है। इससे जो है समोसे बहुत ही खस्ता तैयार होंगे हमारे। तो देखिए इस तरीके से ये कम आंच पर अभी फ्राई हो रहे हैं। हमें बहुत ही सब्र के साथ जो है इसे फ्राई करना होता है। हमें इसे पकौड़ों के जैसा ज़्यादा तेल गरम करके जो है फ्राई नहीं करना है। इस ट्रिक के साथ अगर आप बनाएंगे ना घर पर तो आपके समोसे परफेक्ट होटल जैसे बनेंगे। ये देखिए अब हम थोड़ा फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि इसका कलर अच्छा गोल्डन हो जाए। फ्लेम को हमने हाई कर दिया है, देखिए तो देखिए ये समोसे जो है हमारे तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने समोसों को सर्व किया है। ये परफेक्ट हलवाई स्टाइल समोसे जो है घर पर हम, ऐसा ये कि हमारे पास में हलवाइयों जैसे बर्तन नहीं है या हम इसे तैयार नहीं कर सकते घर में, हम इसे घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं और इसे शौक़ से खा सकते हैं। तो बच्चे और बड़ों सबकी पसंद के लिए बनाइए ये हलवाई स्टाइल समोसे और इसे केचप के साथ सर्व करें। और दुआओं में हमें याद रखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस रेसिपी को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।